चलिए सब लोग कॉपी निकाल लेंगे और बारी बारी से हम लोग सारा डिस्कस करते जाएंगे, और सारा लोग साथ ही साथ कॉपी में इसको राइटिंग भी करते जाना, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं बेसिक से, और वो बेसिक क्या है, नंबर सिस्टम, ठीक है। हिंदी में इसको संख्या पद्धति बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति, है ना। स्पेलिंग समझने में अगर किसी को परेशानी होगी तो पूछ सकता है। देख भाई, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे हम लोग नंबर सिस्टम का, उसके बाद आगे इसका बारी बारी से डिटेल करेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम जो है उसको बेसिकली हम लोग टू पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। जैसा डायग्राम बना रहा हूं ऐसा ही डायग्राम कॉपी में बनाना है, और फिर वैसा ही डायग्राम दिमाग में बनाना है। चलिए भाई, तो नंबर सिस्टम में हम लोग जो बेसिक क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें सबसे पहला क्या है, रियल नंबर। स्पेलिंग समझने में अगर किसी को परेशानी होगी तो पूछ लेना, गलत नहीं लिखना लिखना। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है भाई। इसको हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं, बोलते हैं इसको हिंदी में, वास्तविक संख्या बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर जो है इसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसको काल्पनिक संख्या इसीलिए बोलते हैं कि इसका कोई रियल वैल्यू जो है हम लोग को नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए तुम्हारे लिए, हालांकि इमेजिनरी नंबर जो है ये 100% सीनियर बच्चों के लिए होता है, एक दो एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बच्चा रूट समझ रहा है तो उसके लिए हम लोग समझते हैं। जैसे √9 है, √9 का वैल्यू क्या आता है, 3 आता है। लेकिन अगर √9 में हम लोग -9 देते हैं रूट में, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू एक इमेजिनरी नंबर ही होगा, इसका कोई रियल वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है भाई। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इमेजिनरी नंबर को यहीं पर करेंगे, बाय बाय, और हम लोग आ जाएंगे कहाँ, वास्तविक नंबर पर, ठीक है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है, जहां दिक्कत होगी वहीं बताना है, जस्ट रेज योर हैंड ओनली। वास्तविक संख्या जो है इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, टू पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन है, पहला पहला है, आपस में बात नहीं करना है ना, देखिए वास्तविक संख्या जो है इसमें पहला होता है रैशनल नंबर, ठीक है। देखो ये सारा चीज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस हम लोग मंजिल तक पहुंचने के लिए यात्रा कर रहे हैं, है ना। और दूसरा होता है इरेशनल नंबर, स्पेलिंग समझने में किसी को परेशानी होगी पूछ लेना, गलत नहीं लिखना लिखना, इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर जो है इसको हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। देखो ऐसा लिखा हूं, इसका मतलब संख्या समझना, ठीक है। इरेशनल जो है इसको अपरिमेय संख्या बोलता हूं। ये सारा चीज जितना लिखाया जा रहा है ना, जितना बताया जा रहा है, इसको आज ही घर जा करके फिर से पढ़ना है, और उसके बाद क्लास में फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है ना। जैसे हम लोग इमेजिनरी नंबर को छोड़ दिए, उसी तरह से हम लोग अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर को भी यहीं पर छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको समझना है तो ऐसा संख्या जो रूट में होता है, जैसे √2, √3, है ना, √7, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग डिटेल में सीनियर क्लासेस में फिर पढ़ते हैं, इसको हम लोग यहीं छोड़ देते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं रेशनल नंबर में, ठीक है। रेशनल नंबर में जैसे ही आगे बढ़ेंगे, रेशनल नंबर जो है फिर क्या होता है,
दो तरह का होता है ना। देखना भाई, नंबर सिस्टम भी पहला प्राइमरी क्लासिफिकेशन टू हुआ, कौन कौन? नंबर सिस्टम का बेसिक क्लासिफिकेशन में कौन कौन है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है भाई, पहला क्लासिफिकेशन में क्या है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। समझने में किसी परेशानी होगी तो बताना, ठीक है। और इसको घर के भरोसे नहीं रखना है, यहीं पर इसको दिमाग में फिक्स कर लो। नंबर सिस्टम जो, उसका बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर को यहीं पर छोड़ रहे हैं, है ना। और हम लोग जो रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या जो है उसको आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या जो है, रियल नंबर जो, उसका फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो टू बेसिक क्लासिफिकेशन है, वन इज रैशनल नंबर, अनदर वन इज इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, सब लोग यही याद कर लेना है, नहीं घर के भरोसे रखोगे, भरोसे में रह जाए, है ना। किसी महान लोग का कहना था ना कि जो काम कल होगा वह कभी नहीं होगा, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टुमोरो नेवर कम्स, है ना, मतलब कल कभी नहीं आता। कहने मतलब, हाँ, इसीलिए कबीरदास जी क्या समझा लो, कल करे सो आज कर, नहीं आज करे सो अब। इसीलिए कोई चीज ऐसा कल पर नहीं टालना है, अच्छा याद कर लेंगे, अच्छा होमवर्क बना लेंगे, जस्ट डू इट, है ना। उसी जिस समय तुम्हें कोई चीज ध्यान आता उसी समय कर लो, टाल दिए मतलब टल गया, है ना। समझ में आ गया? पहला क्या हमारे पास, हम लोग के पास पहला नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम लोग क्या किए, बेसिक क्लासिफिकेशन किए टू ग्रुप्स में, पहला हो गया हमारा रियल नंबर, फिर हो गया इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को वास्तविक संख्या भी बोलते हैं और इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं, है ना। इमेजिनरी नंबर को हम लोग यही करते हैं बाय बाय, और आते हैं हम लोग रियल नंबर पर। तो रियल नंबर जो है इसका फिर फर्दर टू क्लासिफिकेशन है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, हिंदी में इसको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या को उसी तरह से हम लोग कर देते हैं बाय बाय। समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए और हम लोग बढ़ गए आगे। आगे कहाँ आए, फिर से रैशनल नंबर के पास। अब रैशनल नंबर का फिर हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। जब रेशनल नंबर क्लासिफाई करोगे ना तो दो चीज आता है इसमें, एक को बोलते हैं क्या, इंटीजर्स, और फिर दूसरा होता है जो फ्रैक्शन, जो कल बता रहा ये यहीं से आता है। ठीक है, एक हो गया इंटीजर्स और एक हो गया फ्रैक्शन। ठीक है भाई, एक को बोलते हैं क्या इंटीजर्स और एक को बोलते हैं क्या फ्रैक्शंस। बहुत अच्छे, हिंदी में अगर पूछा जाए तो इंटीजर्स को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक बोलते हैं। और फ्रैक्शन जो है ना, इसको हिंदी में भिन्न बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक इसको भिन्न बोलते हैं। समझ गए बात को? समझ गए भाई? भिन्न जो है ना, ये भी आगे दो भाग में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं रेगुलर फ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं इरेगुलर फ्रैक्शन। ठीक है, समझने में अगर किसी को परेशानी होगी तो वो सारा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो। फ्रैक्शन क्लास में हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिस्कस किए थे, मैं एक बार ब्रीफली उसको बता देता हूं। ऐसा अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ है 2/3, सब लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, 2/3 लिखा है तो बाद में लिखना, पहले समझ लो उसको। तो 2 जो है लिखने के लिए टाइम दूंगा पर्याप्त, अभी समझना है बस सबको। जो भी लोग लिखना चाह रहे हैं स्टॉप राइटिंग, समझना है ना, इसको मैं पॉज कर दूंगा, आराम से लिखते रहना तसल्ली से, ठीक है, पर्याप्त समय मिलेगा। अभी दिमाग को चालू रखना है, वहां ध्यान है, और रिकॉर्ड करना है जो बोल रहा हूँ। अभी देखो हमारे पास फ्रैक्शन है 2/3, तो 2 जो है यानी अपर नंबर जो है इसको हम लोग न्यूमिरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमिरेटर बोलते हैं, ठीक है, और नीचे जो है ना इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है भाई, हिंदी में इसको हम लोग अंश बोलते हैं,
है ना, और इसको हर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। अब ध्यान आता है, अब हम लोग आते हैं फिर से कहाँ, रेगुलर फ्रैक्शन पर। तो रेगुलर फ्रैक्शन उस तरह का सारा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से बड़ा हो। जैसे यहाँ 2/3 है, तो थ्री जो है वो 2 से बड़ा है छोटा है। इस केस में इस तरह का फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, रेगुलर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 7/3, तो 7 क्या है, न्यूमिरेटर है, 3 क्या है, डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन में। लेकिन जब हम लोग नोटिस करते हैं तो देखते हैं क्या पाते हैं, इस फ्रैक्शन में न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ऐसा केस जिसमें कि न्यूमिरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा उसको हम लोग इरेगुलर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमिरेटर से उस फ्रैक्शन को हम लोग रेगुलर फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। अभी यहां पर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग एन और डी से ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई, चलिए समझिए इसको। तो इस केस में, रेगुलर फ्रैक्शन के केस में क्या है, जो डिनोमिनेटर है हमारा वो ग्रेटर होगा किससे, न्यूमरेटर से, है ना। और इरेगुलर फ्रैक्शन के केस में हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल यहां लिख दिया हूं, ये जो है तुम्हारा इरेगुलर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है और ये तुम्हारा रेगुलर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर यहां पर लिखना है तो इसको, तो 2/3 एक एग्जाम्पल हो गया इसका, और इसका हो गया 7/3 इसका एग्जाम्पल। समझ बात आ गई, चलिए भाई। तो फ्रैक्शन को यहीं पर फिर से हम लोग करते हैं बाय बाय, और आते हैं अब कहाँ, फिर से इंटीजर्स के पास, है ना। इंटीजर्स जो है ना, ये बेसिकली 3 टाइप्स का नंबर को मिला करके इंटीजर्स का सेट बनता है। वो नंबर कौन कौन है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, है ना। ऐसा जब लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है भाई, क्या करते हैं, हाँ, ऐसा जब लाइन एक ड्रॉ करते हैं देखो, चलिए भाई, एक ऐसा लाइन ड्रॉ की सपोज करो, है ना। ऐसा मान लेते हैं हम लोग, एक ऐसा, चलिए ऐसा एक लाइन ले लेता हूँ, चलो इसी ऐसे ही लाइन, चलो ये एक लाइन है ना। अगर किसी को ना समझ में आए तो बताना है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली लाइन नहीं है, इसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो हम लोग को लेना है लाइन, तो हम लोग लेंगे ऐसा, ये है लाइन। लाइन के साथ खासियत क्या होती है पता है, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसीलिए दोनों साइड हम लोग एरो मार्क करते हैं। और उस एरो का मतलब होता है लाइन कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी, इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये लाइन है, इसके बीच में लेते हैं हम लोग एक मार्क और इसको लिखते हैं हम लोग 0, है ना। और ये ऐसा करके हम लोग इधर मार्क करते हैं, है ना, और इधर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसा मार्क करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से इधर मार्क कर लेते हैं और इसको हम लिखते हैं -1, यहाँ क्या लिखे, सबको समझ में आ रहा है, इधर आगे इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। अब ध्यान देना है, इसमें 3 टाइप्स का नंबर है हमारे पास। एक है 1 to infinity, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोलते हैं इसको हम लोग पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। और एक हमारा ये सेट है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलेंगे नेगेटिव नंबर्स, क्या बोलेंगे इसको, सब लोग ध्यान देंगे भाई, जो भी लोग लिखना चाह रहे हैं अभी नहीं लिख, दिमाग में लिखिए पहले। और तीसरा क्या है हमारा, 0, पूरे नंबर सिस्टम का बॉस,
इसको नंबर सिस्टम का बॉस क्यों बोलते हैं? जीरो को नंबर सिस्टम का बॉस क्यों बोलते हैं? सबसे छोटा है लेकिन क्या बोलता है, तुम कितने ही बड़े हीरो हो मुझसे मल्टीप्लाई हो जाओ, मैं तुम्हें जीरो बना दूंगा। When any number multiplied with zero, it becomes zero. सबसे बड़ा बॉस कौन हुआ? जीरो। ठीक है, इसीलिए हम लोग जीरो क्या बोलते हैं, द बॉस ऑफ नंबर सिस्टम। कितना भी बड़ा नंबर हो क्या बोलता है हिम्मत तुम मुझसे आके मल्टीप्लाई होकर दिखाओ, और फिर वो क्या हो जाता है, तो बॉस हुआ ना, नहीं हुआ भाई। हाँ, इसको याद रखना है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू हमारे पास क्या आता है, जीरो आता है। और अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ, यानी 5 × 1 5 आएगा, 5 × 0 जीरो हो जाएगा। और 5 की जगह अगर तुम 5 लाख भी रखो तब भी जीरो ही हो जाएगा, वैल्यू फिक्स है। नंबर 5 करोड़ हो, तुम जितना बड़ा नंबर इमेजिन कर लो इंटू जीरो कर लो, वो क्या हो जाएगा, समझ बात आ गई। चलिए कहानी हुई समाप्त, बढ़ते हैं। तो अब देखना है ये जो पूरा इसको नंबर लाइन बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बोला जाता है नंबर लाइन। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा, है ना। तो नंबर लाइन जो है उसमें 3 टाइप्स का नंबर हमको दिख रहा है। पहला है जीरो, उसके बाद राइट साइड जो है ये कौन सा साइड हो गया जीरो का, राइट, और ये जीरो का क्या हो गया, लेफ्ट, है ना। जनरली तुम जिस हाथ से खाना खाते हो वो राइट हैंड है, जिस हाथ से तुम नहीं खाते हो लेफ्ट हैंड। ठीक है, समझने के लिए बता। ठीक है भाई, तो ये हो गया जीरो, बीच में बॉस है ना, तो बॉस के राइट साइड जो है ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स का सेट है, और बॉस के लेफ्ट साइड जो है निगेटिव नंबर्स का सेट है, और बॉस का नाम क्या है, जीरो, है ना। जीरो के राइट साइड हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है और इसके लेफ्ट साइड हमेशा निगेटिव नंबर होता है। यानी जीरो से राइट जितना आगे बढ़ोगे उतना बड़ा नंबर मिलेगा, और जीरो से लेफ्ट जितना आगे बढ़ोगे उतना छोटा नंबर मिलेगा, समझ गए। निगेटिव में जितना बड़ा होते जाता है नंबर, नंबर का वैल्यू उतना छोटा होता रहा, तो उसमें निगेटिव साइन लगा, समझ गए बात। यानी नंबर सिस्टम में जैसे जैसे हम लोग राइट बढ़ेंगे नंबर का वैल्यू हमेशा बड़ा होता जाएगा, क्लियर हो गया। अब तुमसे कोई पूछे कि 3 ग्रेटर है या 4 ग्रेटर है, तो 4 ग्रेटर है। क्यों है? क्योंकि नंबर लाइन पर 4 जो है वो 3 के राइट साइड है, ये इसके पीछे का लॉजिक होता है, समझ गया बात। कोई भी नंबर लाइन पर जो नंबर है अगर वो राइट साइड में है इन कंपैरिजन टू अदर नंबर, अदर गिवन नंबर, तो राइट वन जो होगा वो ग्रेटर वन होगा, समझ गया बात को। हमेशा नंबर लाइन पर जो राइट वन नंबर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा, बहुत अच्छे। और जो लेफ्ट वर्ड होगा हमेशा वो स्मॉलर नंबर होगा कंपैरेटिवली, ठीक है भाई। तो ये पूरा सेट जो है ना, निगेटिव नंबर्स जीरो इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स का फैमिली इतना बड़ा, समझ में बात आ गई, इंटीजर सारे लोगों समझ में आया। तो निगेटिव नंबर्स हो, पॉजिटिव नंबर्स हो, अथवा जीरो, ये पूरा क्या है, इंटीजर्स ही है। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया सबको। चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग ऑड इवन प्राइम वगैरह वगैरह सारा चीज समझेंगे। तो चलिए भाई हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। तो हम लोग नंबर सिस्टम में इतना बेसिक्स देखे, हम लोग इंटीजर्स पे आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स में हम लोग 3 चीज देखे, क्या क्या देखे, इंटीजर्स में हम लोग 3 पार्ट्स बेसिकली देखे इंटीजर्स का। पहला क्या था इंटीजर्स का, 3 पार्ट्स में पहला पार्ट क्या था, पहला था जीरो। तो पहला पार्ट हो गया इंटीजर का जीरो, बॉस ऑफ इंटीजर्स, है ना। उसके बाद
निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स जो है ना इसको हिंदी में ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। अगर किसी को हिंदी में समझना है तो ऐसा लिख सकता है, ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। और जो पॉजिटिव नंबर्स है ना इसको धनात्मक संख्या बोलते हैं, और जीरो को शून्य बोलते हैं। स्पेलिंग समझने में किसी को दिक्कत होगी तो पूछ सकता है। ठीक है भाई, ये तीन कार्यक्रम जो है किसका है, इंटीजर्स का है। इंटीजर्स जो है इन्हीं तीनों का कंप्लीट सेट है, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, सेट ऑफ निगेटिव नंबर्स एंड जीरो, इंक्लूसिवली कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अब आगे बढ़ेंगे, जीरो हो गया क्लियर, निगेटिव नंबर्स को यहीं छोड़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अब किसको लेकर के, पॉजिटिव नंबर्स को लेकर के। तो थोड़ा सा पहले हम लोग एक सेट ऑफ, सबसे पहला है होल नंबर, अभी कोई नहीं लिखेगा, सब लोग यहां ध्यान दें, है ना। होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, क्या बोलते हैं, देखिए भाई होल नंबर जो है ना ये इन दोनों को मिला करके बनता है, किसको किसको, जीरो को और पॉजिटिव नंबर्स, है ना। तो पॉजिटिव नंबर जो है ना इसको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। पॉजिटिव नंबर का दूसरा नाम क्या है, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। जब भी हम लोग काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे ही काउंट करते हैं ना, काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करते हैं कभी, या माइनस से नहीं करते। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है ना। होल नंबर क्या होता है, जीरो के साथ जब काउंटिंग नंबर आता है, यानी जीरो 1 2 3 4 ऐसा इंफिनिटी तक जब जाएगा, ये जो पूरा सेट है ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर, है ना। तो होल नंबर में क्या होता है, जीरो और पॉजिटिव नंबर, सेट ऑफ जीरो एंड पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। समझ गए बात को। दूसरा आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है ना, इसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्राकृत संख्या। किसी को ना समझ में आ रहा हो तो पूछना, ठीक है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, वन से करते हैं, है ना। ये पूरा सेट जो है ये क्या कहलाएगा, काउंटिंग नंबर्स कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, इसमें जीरो इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, समझ गए। जीरो हटा देने से होल नंबर का सेट है उसमें से जीरो हटा दी, है ना। होल नंबर विदाउट जीरो इज काउंटिंग नंबर, है ना, एंड नेचुरल नंबर विद जीरो इज होल नंबर। समझ गए बात को, है जीरो का खेल है बस, जीरो आ गया होल नंबर, जीरो चला गया नेचुरल नंबर। समझ गए बात को, समझ में आया सबको, बहुत अच्छे। अब देखो भाई, इसके बाद कुछ एक नंबर्स और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, है ना। क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में लिखते हैं हम लोग सम संख्या। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है एक ऑड नंबर, हाँ ये क्या है, बहुत अच्छे। इसके बाद आता है प्राइम नंबर, क्या आता है, है ना। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, ठीक है भाई। प्राइम नंबर जो है इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
और इसको बोलते हैं भारत। अच्छा देखो इसके बाद भी और कुछ कुछ है जैसे को प्राइम नंबर्स वगैरह है, तो उसको तुमको जानने की आवश्यकता अभी नहीं है, तुम्हारा इतने से काम चल जाए। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग नेचुरल नंबर तक डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट डे के क्लास में हम लोग इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे, है ना। अगर तुम्हारे पास बुक्स अवेलेबल हैं तो इसको एक बार थोरोली पढ़ के तैयार करके ले आना। ठीक है, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही।